दिल्ली की तिहाड़ जेल से कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप सरकार ने जेल नियमों का उल्लंघन किया और सजा की जगह सत्येंद्र जैन को पूरा वीवीआईपी मजा दिया जा रहा है। बता दें कि तिहाड़ जेल के सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं और कोई दस्तावेज देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर में मसाज कर रहा है। सत्येंद्र जैन अपने पैर उसके ऊपर रखकर मसाज करा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि आपने कानून की क्या खूब धज्जियां उड़ाई। देखिए कैसे हवाला मामले में लंबे अरसे से बंद सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से अपने गुर्गों के साथ मौज कर रहे हैं, बड़े आराम से पांव दबवा रहे हैं। इसलिए ऐसे मंत्री को अरविंद केजरीवाल बर्खास्त नहीं करते ताकि जेल से धंधा चलना बंद न हो जाए। वही गौरव भाटिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन आज जेल में है, जेल की कड़ी सुरक्षा को भेद कर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर एक भ्रष्ट मंत्री को जेल में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जेल में एक कैदी को मसाज दी जा रही है। बता दें कि बीजेपी के हमलों पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को झूठे केस में बंद किया है। बीजेपी किसी इंसान के इलाज का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर बीमारी का मजाक बना रही है। आम आदमी किसी को भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, किसी के इलाज का वीडियो जारी करना बीजेपी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपकी तरफ से कहा गया है कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूपंचर थेरेपी दी जाती है। शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस के चलते जेल में हर तरह के इलाज के आदेश अदालत ने दिए थे। जेल में जैन की तबीयत खराब हो जाती है इसलिए उन्हें इलाज मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त डेटा गृह मंत्रालय को भी भेज दिया था। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत में सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। बताते चले कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4,81,00,000 रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। जैन का कथित आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16,39,00,000 रुपए के काले धन को भी सफेद किया। फिलहाल सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और राजनीति इस पर तेज हो गई है। वहीं बीजेपी इस वीडियो पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।